जनपद गोरखपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी सकारात्मक उम्मीद जगा रही है। कोरोना को मात देने वाले ऐसे ही चैंपियन हैं जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, जिनका पूरा परिवार इस बीमारी की चपेट में था, लेकिन अपने चिकित्सकीय अनुभव और सूझबूझ से वे कोरोना को मात देने में सफल रहे। उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के तिवारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर गोरखपुर बोल रहा हूँ। आपको पहली बार कब आभास हुआ कि आपको खुद की कोरोना जांच करा लेनी चाहिए? मुझे पहली बार आभास हुआ जब हमारे दो एडिशनल सीएमओ जो हमारे चैम्बर में हमारे साथ बैठते थे वो पॉजिटिव आ गए, तो मुझे ऐसा संशय हुआ कि संभवतः मैं अपना टेस्ट करा लूँ और कहीं ऐसा नहीं कि मुझे भी इन्फेक्शन लग गया है। जब आपको पता चला कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो उस समय बतौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही नहीं बल्कि एक मरीज के रूप में आपने क्या महसूस किया? जैसे सामान्य व्यक्ति को होता है कि अरे मैं भी पॉजिटिव हो गया कोरोना से, कोरोना तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। एक बार मुझे भी ऐसा लगा, फिर मुझे लगा कि नहीं, कोरोना से तो हमने 80% लोगों को सामान्य ही पाया और वो ठीक होके चले भी गए, तो मैं भी उसी में से एक हूँ, कोई बात नहीं, बीमारी आ गई है तो अब इसको देखेंगे कैसा है। आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और थोड़ी मधुमेह की शिकायत भी रहती है, ऐसे में आपने अपना मनोबल कैसे बनाए रखा? बिल्कुल ठीक बात है, मैं 61 का हूँ, प्लस मैं प्री डायबिटिक हूँ, यानी कि कभी कभी दवा लेता हूँ कभी कभी नहीं लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा इस वायरस का संक्रमण हम में अधिक हो, पर फिर हमने सोचा कि नहीं, बहुत से 90 वर्ष के लोग भी ठीक होकर बीआरडी से चले गए हैं, वो भी हल्के फुल्के ब्लड प्रेशर के मरीज और डायबिटीज के थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी थोड़े प्रिकॉशंस लेने होंगे, जांचें करानी होंगी, इलाज लेना होगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। समाज में कोरोना मरीजों के प्रति प्रायः भेदभाव की भावना देखी जा रही है, सीएमओ होने के बावजूद थोड़ा ही सही, पर क्या आपको इसका सामना करना पड़ा? मुझे ऐसा भेदभाव का तो कोई सामना नहीं करना पड़ा, और समाज में जो मैं सुनता था अपने एज ए सीएमओ वर्क करने में, कोरोना का मरीज आ गया तो पूरा का पूरा मोहल्ला मुझे फ़ोन करता था कि अरे साहब यहाँ तो एक कोरोना का मरीज आ गया है, तो उन्हें मैं यही समझाया करता था कि कोरोना का मरीज़ अपने घर में अगर है तो आप क्यों परेशान हैं, आप उसके घर मत जाइए, आप उससे हाथ मत मिलाइए, आप परेशान बिल्कुल ना होइए, सारे एहतियात लीजिए, और कोरोना का मरीज है उसको हम लोग एम्बुलेंस से ले आएंगे, तब हम लोग उसको फैसिलिटी में रखा करते थे। आपके पुत्र और पुत्रवधू पहले से ही कोरोना उपचाराधीन थे, ऐसे में जब आपकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उस समय आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? बेटा और बहू मेरे पहले ही पॉजिटिव थे, हम 5 लोग थे, मैं, मेरी मिसेज और बेटी, तो ये ज़रूर लगा कि चूँकि मेरा बेटा बहू पहले ही पॉजिटिव हैं, अब मैं भी पॉजिटिव हो गया हूँ, तो एक थोड़ा सा भय लगा कि घर के सारे मेंबर, 5 के 5 मेंबर पॉजिटिव आएंगे तो बड़ी समस्या होगी, क्या होगा अगर कोई सीरियस हो गया, पर्टिकुलरली उसमें मुझे ही सीरियस होने का डर था। पॉजिटिव पाए जाने के बाद आपको किस तरह की दिक्कत महसूस हो रही थी? पहले दिन तो मुझे थोड़ा सा मानसिक तनाव भी था और दूसरा बॉडी एक बहुत हुआ, और बॉडी एक में मैंने मेडिकेशन लिया जो इसमें चलाना चाहिए, पैरास्टामोल, पेन किलर्स, तो वो ठीक हुआ, अगले दिन मेरे सोर थ्रोट हो गया, तो मैंने उसके लिए एक प्रोटोकॉल के अनुसार डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी, इन्हेलेशन करता था दिन में 3 बार क्योंकि खाली ही रहता था, और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था क्योंकि ना सोने मिलता था और ना आराम करने मिलता था, बींग सीएमओ उस पर बहुत सी कॉल आती थी। 4th दिन मेरा सूंघने की शक्ति ख़त्म हो गई, 5th दिन या 6th दिन मेरा टेस्ट चला गया। टेस्ट एंड स्मेल, आई गेस ये सबसे एक कॉमन सिम्टम है और सबसे स्ट्रॉन्ग सिम्टम है जो कि लोगों को पता लग सकता है कि ये कोरोना ही है, जो कि और किसी बीमारी में जल्दी होता नहीं। ऑल्दो ये ऐसा सिम्टम है जो कुछ टाइम के लिए रहेगा, देन आफ्टर 10-15 डेज ये अपने आप क्योर भी हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आते रहे, बस 2 सिम्टम्स नहीं आए, एक तो मुझे फीवर नहीं आया और दूसरा हमें कभी रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। होम आइसोलेशन के दौरान आपकी दिनचर्या कैसी थी? इस समय का सदुपयोग आपने कैसे किया? मैं पहले भी थोड़ा सा सवेरे योगा करता था, वो योगा मैंने बंद नहीं किया, सवेरे जल्दी उठता था, आंगन में थोड़ा सा घूमता था, चूँकि वीकनेस लगती थी इसलिए उसके बाद मैं
आ जाता था। सुबह उठकर कुकिंग, फिर सफाई, सारा सब कुछ हम लोग खुद ही मैनेज करते थे, क्योंकि उस दौरान हमारे यहाँ कोई प्यून्स नहीं आते थे। पूरी फैमिली हमारे साथ थी, तो इसलिए सभी ने कुछ ना कुछ करते हुए दिन बिता लिए। मेरा टाइम कुछ बच जाता था तो मैं डायरी लिखता था, और उसमें हर चीज़, हर दिन की जो भी हमारी चीज़ होती थी मैं उसको लिखता था। आप और आपका परिवार पूरी तरह से इससे स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन कई मामलों में इस बीमारी ने दोबारा भी लोगों को अपनी चपेट में लिया है। ऐसे में आप क्या सावधानियां बरत रहे हैं? कोरोना से बचाव के लिए जो हम पहले करते थे वही अभी भी कर रहे हैं। मास्क लगाना, हाथ बार बार धोना, बिना हाथ धोए आँख मुँह नाक को न छूना, या 2 गज की दूरी बनाए रखना, अनावश्यक कहीं नहीं जाना। मैं 4 महीने से शहर से बाहर नहीं गया हूँ। कोरोना से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे भी यदि कहीं से संक्रमण लग भी जाता है तो भी अब उपचार अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं। आप अपने डायबिटीज़ का कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करिए, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करिए, और जो प्रोटोकॉल में दवाइयाँ हैं काफ़ी अच्छी अच्छी आई हैं उनको लेते रहिए, तो आप होम आइसोलेशन में ही रह के स्वस्थ होके आ सकते हैं। जब आप अंदर से मजबूत रहेंगे मानसिक रूप से, तो इस बीमारी से ज़्यादा अच्छे से लड़ के उभर सकेंगे। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो ज़रूर आप अस्पताल में भर्ती हों, वहाँ आपका अच्छे से इलाज होगा और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी।